आज आठवां दिन हो गया, आज तक आयोग से कोई लोग मिलने नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये आयोग एक नंबर निकम्मी, पूरे निकम्मी, और इसको क्या कहे, लाचार आयोग है, विकलांग आयोग है। आठ दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, तीन साल से जेई बहाली लंबित है, लेकिन आज तक इससे जेई बहाली क्लियर नहीं हुई। यहाँ तक कि सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है, विपक्ष से भी कोई लोग मिलने नहीं आए। स्थिति इतना बदतर हो गया कि अब हम लोग क्या कहें, अगर फिर आयोग नहीं हम लोगों से मिलने आते तब हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। सात दिनों से लगातार बीटीएससी जेई के जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान तक जू नहीं रेंग रहा है और ना ही कोई नेता इन लोगों से मिलने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो विपक्ष भी इन अभ्यर्थियों को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहा है। बता दें आपको कि 6400 इन लोगों की संख्या और ये अभ्यर्थी काफी परेशान है, रिजल्ट की बस मांग कर रहे हैं, लेकिन ना ही सरकार इस पर कुछ बोल रहा है, ना ही अधिकारी कुछ इस पर बोल रहे हैं। देखा जाए तो अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं और ये अभ्यर्थी काफी परेशान है। देखा जाए तो अभ्यर्थियों का साफ साफ कहना है कि हमारा रिजल्ट जो है वो जल्द से जल्द जारी करे। देखिए तमाम बीटीएससी जेई के अभ्यर्थी हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका जी? रोशन कुमार। रोशन जी, लगातार बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा, सरकार के कानों तक जू नहीं रहेगा? आज आठवां दिन हो गया, आज तक आयोग से कोई लोग मिलने नहीं आया। ऐसा लगता है कि ये आयोग एक नंबर निकम्मी, पूरे निकम्मी, और इसको क्या कहे, लाचार आयोग है, विकलांग आयोग है। आठ दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, तीन साल से जेई बहाली लंबित है, लेकिन आज तक इससे जेई बहाली क्लियर नहीं हुई। यहाँ तक कि सरकार भी हमारी नहीं सुन रही है, विपक्ष से भी कोई लोग मिलने नहीं आए। स्थिति इतना बदतर हो गया कि अब हम लोग क्या कहें, अगर फिर आयोग नहीं हम लोगों से मिलने आते तब हम लोग भूख ताल पे जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। देखिए हम लोग को आज है सो आठवां दिन हो गया है, और बात ये रहा कि लग रहा है कि सरकार तो निकम्मी है ही, मंशा नहीं है क्या सरकार की? सरकार के मंशा जिस तरह चल रहा है उस तरह के कोई मंशा पता नहीं चल रहा है। सरकार के साथ साथ आयोग भी निकम्मी होते जा रहा है, समझ गए? तो हम लोग है सो इस तरह जारी रहेगा, जब तक रिजल्ट हम लोग को प्रकाशित और ज्वाइनिंग होगा तब तक ये मेरा पूरा है सो हम लोग करते रहेंगे प्रदर्शन। रोशन जी, ये युवा विरोधी है क्या बिहार सरकार? अब तो कहना पड़ेगा कि ये सरकार युवा विरोधी है, बेरोजगार के बारे में सरकार कुछ नहीं सोच रही। ये सरकार को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने से मतलब है। इनको पता है कि हम लोग मात्र 6400 है, भले ही दूसरी बात है कि 6400 ही या अभी जो भी जूनियर इंजीनियर है वही सरकार के पूरे योजनाओं को सफल बना रहे हैं, राज्य के विकास में अपना पूरे एक एक पसीना गिरा रहे हैं, राज्य के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। फिर भी और भी यहाँ कनिया अभियंता लोग हैं, सारे लोग धरना पर बैठे हैं, लेकिन यहाँ सरकार अभी तक सुनने को राजी है नहीं। क्या कहिएगा सरकार से? इतने सालों से लंबित है ये वैकेंसी, हम लोग को लगता है कि पता नहीं जीने भी देगी या नहीं जीने देगी। काफ़ी परेशान है, काफ़ी परेशान है हम लोग, ऐसा कोई आश्वासन अभी तक हम लोग को मिल नहीं रहा। कोई सरकार भी नहीं बोल रहा है कुछ नहीं। कहाँ कहाँ गए, कौन कौन मंत्री से मिले हैं? अभी तक तो यहाँ कोई मिलने नहीं है। नहीं, बीच में तो डिप्टी सीएम से भी मिलने गए थे आपके साथ ही? हाँ, मिलने गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन क्या आश्वासन से मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या आश्वासन से नौकरी हो जाएगा? क्या आश्वासन से नियुक्ति हो जाएगा? क्या आश्वासन से मेरा रोजगार मिल जाएगा? तो आश्वासन से हम नहीं मानेंगे, जब तक कि आयोग हमको लिखित ना दे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कब तक ऐसे ही बैठे रहिएगा? देखिए सर, हम लोग के बाद जब तक सरकार मान नहीं लेती तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, और आगे हम लोग की योजना है कि भूख हड़ताल पर जाएंगे। जब भूख हड़ताल पे जाने से रिजल्ट निकल जाएगा? अब देखिए वो तो हम आयोग और सरकार चाहेगी तो निकल सकता है, लेकिन हम लोग जब तक हम लोग की बात सरकार नहीं मानेंगे तब तक हम लोग चाहे मर जाए जो भी हो हम लोग यहीं रहेंगे, बैठे रहेंगे। कोई भी अधिकारी नहीं आ रहे मिलने? अभी तक तो कोई भी अधिकारी मिलने के लिए नहीं आए। हम लोग का मांग जायज ये इसलिए है क्योंकि आयोग जो भी करे जल्दी से करे, कब तक करना है हमको रिजल्ट देना है। सरकार भी चाह रही है लेकिन आयोग इसको रिजल्ट दे तो दे। आयोग आप लोगों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रही है, कितने परेशान हैं? हम लोग काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हैं इस रिजल्ट को लेकर। हम लोग का एक ही मांग है कि रिजल्ट जल्द से जल्द अब जारी कर दें, क्योंकि तीन साल हो गए इस वैकेंसी की और अभी तक कोई नोटिस वोटिस नहीं आया है, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द क्लियर हो, बस हमारी यही मांग है। नहीं तो हम लोग अभी आज आठवां दिन है धरना का और अभी तक भी नहीं सुनी है कुछ, अगर आगे भी नहीं सुनेगा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किए हैं। ये क्या नाम है आपका? अजीत कुमार ओझा। क्या सरकार या फिर आयोग की मंशा नहीं है क्या रिजल्ट जारी करने का?
उसकी तो मंशा नहीं है जारी करने की, नहीं तो एक होता है कोई भी काम करने का एक मैक्सिमम डेट होता है। हम लोग पूछते हैं कि आप मैक्सिमम डेट बता दीजिए, कितना दिन तक आप हम लोग का रिवाइज रिजल्ट पब्लिश कर दीजिएगा, ये भी नहीं बता पाती है। क्या उसके पास कोई काम करने का ढंग नहीं है? आप ऑप्टिमम डेट को भी नहीं बता पा रहे हैं। 6400 क्लियर नहीं हो पा रहा है तो 19 लाख कहाँ से देगा? सिर्फ जो है जुमलेबाजी कर रहा है, बिहार के जो युवा है उसको बरकरार रहा है। जब चुनावी माहौल आता है तो इस तरह के जो जुमलेबाजी है वो बहुत देखने को मिलता है। क्या लगता है कब तक बहाली हो जाएगी आप लोगों की? देखा जाए तो रिजल्ट भी अभी तक आया नहीं। हम लोग जो है एक महीना के अंदर जो है हम लोग सरकार से जो है गुजारिश कर रहे हैं कि एक महीना के अंदर जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग ले लें, नहीं तो हम लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और आमरण अनशन के लिए तैयार है हम लोग। देखिए काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है, BTS CJE के जूनियर इंजीनियर के ये अभ्यर्थी हैं और लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 दिन हो गए हैं और सरकार के ना ही कोई अधिकारी आते हैं इनसे मिलने, ना ही कोई नेता आते हैं, ना ही कोई मंत्री आते हैं। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM से जब मिलते हैं तो साफ साफ उनका कहना रहता है कि आप लोगों की जल्द से जल्द रिजल्ट जारी होगी और जल्द से जल्द बहाली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार यह दावा करते हैं कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन 6400 अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ है और रोजगार भी इन अभ्यर्थियों को नहीं मिला है। काफी अभ्यर्थी परेशान है। 3 महीना पहले रिजल्ट जो मिला था उसमें त्रुटि निकालकर उसको वापस ले लिया गया, कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 महीना से ऊपर हो गया है और अभी तक इन लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं हुआ है। काफी अभ्यर्थी परेशान है और कह रहे हैं लगातार कि रिजल्ट हमारा जल्द से जल्द जारी हो। फिलहाल आपने सुना तमाम BTS CJE के अभ्यर्थी थे उनका क्या कुछ कहना था और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।